नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका आश्रम यूट्यूब चैनल पर। आज के अंक में हम केवल 10 मिनट में ये सीखेंगे कि आप अपनी आयु रेखा पर, लाइफ लाइन पर उम्र की कैलकुलेशन किस प्रकार से कर सकते हैं, कितनी आपकी लाइफ होगी या फिर जिसकी भी हथेली आप देख रहे हैं सामने वाले की उम्र कितनी होगी, कितने वर्ष तक ये व्यक्ति जीवित रहेगा। आइए हम इसे जानने का प्रयास करते हैं। ये हमारा है गुरु पर्वत और ये है हमारा निम्न मंगल पर्वत। इसके बीच से हमारी जो है जीवन रेखा या लाइफ लाइन जिसे कहते हैं वो कुछ इस प्रकार से शुरू होती है और ये जाती है आपकी मणिबंध की ओर। हमारी कलाई में जो ये रेखा होती है ये मणिबंध की रेखा होती है। यदि ये पूर्णतः मणिबंध पर चली जाती है इसका अर्थ होता है कि आपके इस जीवन रेखा ने 100% आयु को प्राप्त किया, 100%। अभी ये हाई आयु 100% का अर्थ क्या होता है, 100 वर्ष नहीं, 100% को हम 100 वर्ष नहीं मानेंगे, क्योंकि किसी भी व्यक्ति की आयु कितनी होगी ये निर्भर करता है वो व्यक्ति किस समाज में रह रहा है, किस परिस्थिति में रह रहा है, देश काल समय परिस्थिति सब पर निर्भर करता है। जैसे अपने देश में हम मानते हैं यहाँ औसत आयु 62 ईयर के आसपास मानी गई है, और हम अपने समाज में देखते हैं कि मैक्सिमम आयु के लोग जो हैं वो 90 वर्ष तक के ही मैक्सिमम आयु के लोग आपको आज आसपास में या फिर कहीं भी रिलेशन में दिखते हैं, इससे अधिक के आयु के व्यक्ति ना के बराबर दिखते हैं। तो ऐसी स्थिति में हम मानेंगे कि हमारे यहाँ जो मैक्सिमम आयु वो 90 वर्ष के आसपास है, प्लस माइनस है, 90 हो जाए 92 हो जाए, ये है हमारे देश में। लेकिन ठंडे प्रदेश की यदि हम बात करें तो ऐसे जगह में जैसे जापान के कुछ क्षेत्र में आपको 110 120 वर्ष तक की आयु के कई लोग मिल जाएंगे, तो ये उनके लिए है। तो यहाँ पर देखें तो यदि ये 100% है तो अपने यहाँ हम मान के चलते हैं 90+ की आयु ऐसे जातक प्राप्त करेंगे जिनकी आयु रेखा इस स्थान से निकली हो और मणिबंध तक पहुँच गई हो, उनकी आयु लंबी होगी। लंबी कहने का अर्थ 90+ की आयु वो प्राप्त करेंगे, ये चीज़ माननी चाहिए। अब हम कैलकुलेशन किस प्रकार से करें, क्योंकि कई बार हम देखते हैं कि बहुत लोगों की आयु रेखा जैसे इस हथेली में देखें कि आयु रेखा यहाँ तक ही है, ऐसे स्थिति में कैलकुलेशन किस प्रकार से करें, तो बहुत ही आसान कैलकुलेशन है। हम उस कैलकुलेशन की बात करते हैं। आप इस स्थान से बिल्कुल इस प्रकार से घेरते हुए मणिबंध तक की क्षेत्र को आप लगभग 100 वर्ष मान सकते हैं, 90, 92, 93 न मान के लगभग अप्रॉक्सीमेट आप 100 वर्ष मान लीजिए या 90 वर्ष भी इसे मान सकते हैं। ऐसे स्थिति में क्या करना है कि आपको यहाँ से यहाँ तक जो है एक धागा ले लेना है, एक धागा इस प्रकार से रख लें यहाँ से यहाँ तक और इस धागे को काट लें, धागे को दो भाग में फोल्ड करें और पुनः धागे को रख लें। जब फोल्ड करके रखते हैं तो ये यहाँ तक आता है तो इस स्थान पे एक टिक लगा लें, ये मैंने यहाँ एक टिक लगा लिया, धागे को रखने के बाद आप यहाँ टिक लगा लें, दो भागों में मोड़, तो ये क्या हो गया आपके लिए, ये 50 वर्ष के लगभग हो गया, 1-2 वर्ष आगे पीछे हो सकता है, तो ये हम इसे 50 ईयर मान सकते हैं। ठीक इसी प्रकार आप उस धागे को एक फोल्ड और कर देते हैं तो ये यहाँ तक आता है, ये क्या हो गया आपके लिए 25 वर्ष की आयु ये मान सकते हैं। इसी प्रकार से हम यहाँ तक की आयु को 75 मान सकते हैं और यहाँ तक को 100 या हम 95 के आसपास मान सकते हैं, ये आयु होगी। तो आयु की गणना जीवन रेखा पर इसी प्रकार से की जाती है, हालांकि ये आयु की गणना लोग भाग्य रेखा पर भी करते हैं, भाग्य रेखा लंबी है तो उस पर आयु की गणना होती है, भाग्य रेखा बहुत लोगों की छोटी होती है उसके अनुसार आयु की गणना होती है। तो गणना जो है प्रत्येक रेखा पर की जाती है कि ये हमें फल की प्राप्ति कब होगी या ये किस प्रकार से हम मस्तिष्क रेखा हृदय रेखा सभी चीज़ों पर गणना के विषय में हमारा शास्त्र कहता है। तो आज के अंक में हम बात कर रहे थे लाइफ लाइन के विषय में गणना। तो अब देखिए इस जातक की हथेली में ये यहाँ पर आके रुक गया है, तो अप्रोक्सीमेट हम यदि निकालते हैं तो ये जो है 70 वर्ष की आयु के आसपास ये आ रहा है। तो क्या ये व्यक्ति केवल 70 वर्ष जीवित रहेगा, नहीं, आपको सर्वप्रथम अंतिम निर्णय पर पहुंचने से पहले दाई और बाई, राइट एवं लेफ्ट दोनों हथेली की
अध्ययन करना आवश्यक है। चाहे पुरुष जातक हो या फिर स्त्री जातक हो, मेल हो या फीमेल हो, आपको उनकी दोनों हथेली को देखना चाहिए अंतिम निर्णय पर, विशेषकर आपकी आयु की गणना में। यदि एक हथेली में जीवन रेखा छोटी है और दूसरी हथेली में जीवन रेखा लंबी है तो जातक लंबी आयु को प्राप्त करेगा ही करेगा, ये आप मान लें। ऐसा नहीं कि आपने एक व्यक्ति को देखा, यहाँ आपने कह दिया कि आप तो केवल 50 वर्ष जीवित रहेंगे, वो व्यक्ति घबरा जाएगा। आपको दोनों हाथों को देखना चाहिए। दोनों हाथों में यदि ये स्थिति आपको दिख रही है तो थोड़ी सी गंभीर समस्या है। किस प्रकार की? क्या वो दोनों हथेली में यहाँ तक है तो केवल व्यक्ति 60 ईयर को प्राप्त करेगा? नहीं, ऐसा भी नहीं है। इसके बाद ये चीज़ें दिखलाती है कि उन्हें स्वास्थ्य संबंधी समस्या हो सकती है। जीवन शक्ति में इस उम्र के बाद में हरासमेंट हो सकता है, कमजोरी हो सकती है, स्वास्थ्य संबंधी समस्या हो सकती है, बहुत तरह की चीज़ें यहाँ पर दिखाई जाती है। अब आपने यदि जीवन रेखा को देख लिया कि दोनों हथेली में इस स्थान पर रुकी हुई है, तो आपको देखना है कि क्या इसके साथ कोई मंगल रेखा तो नहीं चल रही है। यदि इसके साथ कोई आपकी लाइफ लाइन इतनी छोटी है, उसके साथ एक मंगल रेखा चल रही है, तो घबराने की आवश्यकता नहीं है, आप अपने लाइफ को पूर्णता प्राप्त करेंगे। क्योंकि ये मंगल रेखा आपके लाइफ लाइन को सपोर्ट करता है, तो ये आपके बाकी के जीवन को पूर्ण कराएगा। इसके बाद यदि देखिए इस हथेली में, देखिए यहाँ पर से ये रेखा यहाँ रुक गई है, लेकिन इनकी भाग्य रेखा यहाँ से मिलते हुए कुछ इस प्रकार से निकली थी। इस स्थिति में क्या है कि ये जो है बाकी की लाइफ जो है इनकी ये भाग्य रेखा पूरी कराएगा, क्योंकि ये बिल्कुल जीवन रेखा वाले क्षेत्र में प्रवेश किए। ये देख लीजिए इस प्रकार से, ये रेखा यहाँ से इस प्रकार से निकली है, ये इस प्रकार से। तो इस प्रकार का ओवरलैपिंग एक चीज़ दिखलाता है कि इस उम्र में कुछ समस्या आ सकती है, विशेषकर स्वास्थ्य संबंधी समस्या जो है ऐसे जातक को आ सकती है। तो यहाँ पर सावधानी रखने की आवश्यकता है। अब लाइफलाइन कैलकुलेशन में अन्य किन चीज़ों को देखते हैं, हम उनकी बात कर लेते हैं। हम देखते हैं कि बहुत जातक के हथेली में इस प्रकार से ये देखिए घेराव होता है। कहने का अर्थ है बहुत जातक के हथेली में ये घेराव इतना बड़ा सा होता है, इसका क्या अंतर होता है, क्या अर्थ है? इन दोनों रेखाओं में अंतर है, डिफरेंस है आयु की। एक व्यक्ति लंबी आयु को प्राप्त करेगा दूसरे व्यक्ति के कंपैरिजन में। यदि किसी जातक के हथेली में यहाँ से निकलती है और शुक्र क्षेत्र को छोटा सा घेरती है, ये हमारी हथेली में शुक्र पर्वत का क्षेत्र है, ये निम्न मंगल का क्षेत्र है, लाइफ लाइन दोनों को घेरती है। तो कभी कभी हम देखते हैं कि बहुत लोगों की हथेली में क्या होता है, इस प्रकार से छोटा सा घेर दिया। कभी हम देखते हैं कि ये इस प्रकार से छोटे से घेरती है। तो किसी की हथेली में बहुत बड़े आकार में भी घेरती है, किसी किसी की हथेली में अनियंत्रित होकर ये चंद्र पर्वत को होके घेरती, इस प्रकार की स्थिति। तो इसके विषय में जो अपना शास्त्र कहता है, सामुद्रिक ऋषि इस विषय में कहते हैं, यदि किसी जातक का लाइफ लाइन शुक्र पर्वत और मंगल पर्वत को निम्न मतलब छोटे आकार में घेरे, तो ऐसे जातक की आयु जो है इन जातक के अपेक्षा काफ़ी कम होती है जिनकी ये हो, ये हो गई सामान्य से कम। यदि ये इस प्रकार से घेरता है इतना, तो ये हो गई नॉर्मल कंडीशन, 100 वर्ष जिएंगे। ये कंडीशन बताती है इस प्रकार से छोटा सा घेरा है, तो ये मान के चले कि कुछ 100 वर्ष तो नहीं, मतलब ये 80 वर्ष की आयु यहाँ पूर्ण हो जाएगी। लेकिन किसी जातक की हथेली में ये इतना घेर लेती है, इतना इस प्रकार से, तो ऐसे जातक 100 वर्ष से ऊपर की आयु प्राप्त करेंगे। क्योंकि आयु रेखा की लंबाई सब कुछ तय करती है कि आप कितने लंबे समय तक जीवन का निर्वाह करने वाले हैं, जीवन को जीने वाले हैं। तो ऐसे कंडीशन में क्या होता है कि यहाँ लाइफ लाइन की जो है लंबाई बढ़ रही है, यहाँ पर क्या होता है कि ये लंबाई घट रही है, लंबाई घट रही है, अर्थात ये उम्र थोड़ी छोटी रह जाएगी। लंबाई किसी के हथेली में ये इतनी लंबी हो रही है रेखा, तो इसका अर्थ होता है ऐसे जातक की उम्र लंबी होगी। ये रेयर कंडीशन है, बहुत कम लोगों की हथेली में ऐसी स्थिति देखने को मिलती है। विशेषकर यदि आप देखें कि आपके आसपास में कोई व्यक्ति 100 वर्ष से अधिक आयु को प्राप्त कर लिया है, देखने को प्राप्त होते हैं 105, 110, तो उनके हथेली में इस प्रकार की रेखा होने की पूर्ण संभावना होती है। जितना अधिक क्षेत्र आपके लाइफ लाइन घेरता है शुक्र क्षेत्र को इस प्रकार से, आपका जीवन उतना ही लंबा होने का एक चांस रहता है। तो ये थी लाइफ लाइन को किस प्रकार से मापते हैं। अब हम बात कर लेते हैं कि लाइफ लाइन इस प्रकार से चल रही है, बहुत लोगों की इस प्रकार से टूट के आगे बढ़ती है, ये टूट बिल्कुल अच्छा नहीं माना जाता है। शास्त्र कहता है यदि इस प्रकार से आपकी लाइफ लाइन टूटती है, तो उम्र के इस पड़ाव में यहाँ से यहाँ तक इस अंतर में आपको विशेष सतर्क रहने की आवश्यकता है।
आपका स्वास्थ्य खराब हो सकता है, किसी प्रकार की कोई दुर्घटना हो सकती है, तो आप यहाँ विशेष सतर्क रहें। कुछ वर्षों तक जितनी लंबी गैप होगी उतनी बड़ी समस्या उतने लंबे समय तक चलेगी, उसके बाद आप पुनः लाइफ को प्राप्त करेंगे यदि जीवन रेखा नीचे भी है। कभी कभी क्या होता है कि यहाँ पर द्वीप बन जाता है, तो द्वीप तो ये नहीं कहता कि आपकी लाइफ समाप्त होगी, लेकिन ये इतना अवश्य कहता है द्वीप कि आपके लाइफ में आपके स्वास्थ्य में गंभीर समस्या उत्पन्न हो सकती है आपके जीवन में। ये समस्या कितने बड़े दिनों तक रहेगी, तो जितने दिनों तक यदि ये गैपिंग 10 वर्ष का है तो अर्थात 10 वर्ष तक की समस्या आपके साथ में स्वास्थ्य संबंधी समस्या रह सकती है। ये कैलकुलेशन इस प्रकार से किया जाता है। यदि किसी की जातक के इस प्रकार से हो, यहाँ पर स्क्वायर बना हुआ हो इस प्रकार से, तो ये एक स्थिति बताती है कि आपकी लाइफ लाइन किसी कारण से दुर्घटनावश या स्वास्थ्य इस प्रकार से गड़बड़ हुआ था जिसके कारण आपको ऐसा लगता है मरणासन स्थिति में पहुंच गए, लेकिन ये वर्ग आपको बिल्कुल साफ सुथरे और अच्छे अवस्था में बचा लेगा, आपके जीवन को कुछ नहीं होने देगा। तो ये वर्ग का चिन्ह लाइफ लाइन पर अच्छा माना जाता है, ये सेफ्टी का कार्य करता है। तो किसी भी व्यक्ति का हम केवल लाइफ लाइन के लंबाई नहीं, उसके साथ हम उसकी मंगल रेखा को देखेंगे तो बताएंगे ये व्यक्ति कितना लंबे समय तक जीवित रह सकता है। उसके साथ हम उसके सपोर्टिव रेखा कोई ओवरलैप करता हो तो इसे भी देखकर हमें बताना चाहिए। इसके बाद आपको उस व्यक्ति के मस्तिष्क रेखा की लंबाई, हृदय रेखा की लंबाई भी महत्वपूर्ण होती है गणना में। यदि किसी जातक की लाइफ लाइन इतनी छोटी है, साथ में मस्तिष्क रेखा भी इतनी छोटी है और हृदय रेखा भी काफ़ी छोटी है, तो इतना तो तय है कि ऐसे जातक का लाइफ कम होगा, ऐसे जातक की आयु लंबी नहीं होगी, ये स्पष्ट बताता है। क्योंकि तीनों रेखा महत्वपूर्ण है, हृदय जो है आपके रक्त संचार को बताता है उम्र की गणना के साथ। यदि आपकी हृदय रेखा बृहस्पति पर्वत तक पहुंच जाती है, ये गुरु पर्वत है, तो कहीं ना कहीं ये बतलाता है कि आपकी हृदय की स्थिति, ये बृहस्पति पे पहुंचने का अर्थ होता है कि 80 वर्ष के अधिक उम्र तक आपकी हृदय की स्थिति, रक्त संचार की स्थिति सही रहेगी, ये इन चीज़ों को बतलाता है। ठीक उसी प्रकार से हमारी मानसिक स्थिति को ये बतलाता है कि कितने लंबे समय तक आप मानसिक रूप से स्वस्थ रहेंगे। उसी प्रकार से ये बताता है कि शारीरिक रूप से आप अपने लाइफ में कितने लंबे समय तक निर्वाह करेंगे, ये आपका जीवन रेखा बतलाता है। तो पुरुष हो या महिला, आपको दोनों हथेली को देखने के बाद ये कैलकुलेशन करना चाहिए कि आपकी आयु 70 है या 90 है या कितनी है। आज के अंक में इतना ही, मिलते हैं अगले अंक में, पुनः बात करेंगे अन्य विषय पर। धन्यवाद।